अगर हिंदुत्व की परिभाषा करें तो आपके शब्दों में क्या होनी चाहिए? हिंदुत्व की परिभाषा आर्यत्व, सनातन धर्म, जो हमारा सबसे पुरातन, हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता और हमारा ज्ञान विज्ञान है, उसका जो उत्तराधिकारी है वो हिंदू है। और इसकी व्याख्या सावरकर ने की है, पितृभू पुण्यभूश्चैव सवई हिंदू ऋतस्कृत, सिंधु से लेकर के सिंधु तक, यानी सिंधु नदी से लेकर के समुद्र तक, यस्य भारत आ सिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका, पितृभू पुण्यभूश्चैव, जो इसको पितृभूमि मानता है पुण्यभूमि मानता है, मातृभूमि नहीं, क्योंकि हमारे राहुल बिठवा की जो मातृभूमि है वो इटली है, तो मातृभूमि हमारी कोई भी हो सकती है, हमारे पापा को हमारे पिता को कहीं भी जाकर के इलू इलू हो सकता है, और उससे जो संतान उत्पन्न होंगी तो वो हमारी उनकी मातृभूमि तो बाहर होगी, तो पितृभूमि पितरों की भूमि, तो राहुल गांधी के पितरों की भूमि भारत माता है, तो पितृभू पुण्यभूश्चैव सवई हिंदू ऋतस्मृत है, ये सावरकर की व्याख्या है। लेकिन विनोबा जी ने बहुत ही स्पष्ट व्याख्या और भी अधिक की, वो लंबी चौड़ी व्याख्या, उसको समझाने का यहां समय नहीं है। यो वर्णाश्रम निष्ठावान गोभक्त श्रुति मात्रिका, जो वर्णाश्रम व्यवस्था में विश्वास करता है, गोभक्त है, श्रुति और स्मृति में मातृ पूजक है, विश्वास करता है, और उत्पेक्षते पुनर्जन्म, पुनर्जन्म में विश्वास करता है, तस्मान मोक्षण मिलते, और उससे भी मुक्त होकर के भगवान को प्राप्त करने में जिसकी गति है, रति है, वो हिंदू है। तो इसलिए हिंदू बहुत विराट शब्द है, हिंदुत्व ये गौरव की ही वस्तु है, इसमें कहीं हीनता का किसी को अगर बोध होता है तो उसको किसी मानसिक चिकित्सक से मिलकर के अपना इलाज करवाना चाहिए।